यह है, यह घटना है कि मतलब उत्तराखंड थाने का एक सिपाही है, हाँ एक पुराना मुकदमा मेरा चल रहा था तो उसमें आते जाते समय मेरे मोबाइल नंबर ले लिए सर, मेरे व्हाट्सएप से जुड़ गए। मेरे व्हाट्सएप से जुड़ने के बाद सर मतलब गंदी गंदी वीडियो मतलब भेजते, रात 11 बजे 12 बजे 3 बजे कई बार सर मना किया लेकिन माने नहीं। फिर और ऑनलाइन पढ़ाई लड़कियन का चला था, हाँ क्लास ले थी लड़कियन ऑनलाइन, तो रोज़ ऐसे मतलब सोची जाए दे अब मान जही अब मान जही तो नहीं माने। ओकरे बाद एक दिन लड़कियन पढ़त रहन अब वो चीज़ लड़कियन देख गए तब ऐसे बहुत मतलब तकलीफ हमारी भाग के देखा इन्हें तना उठा गिर गया है कि मना करे मानन नहीं है। तब वही हम गए उत्तराखंड थाने में लिखित कार्रवाई दिया तो कहें ठीक है। 8 तारीख के मौखिक कहा गया, 10 तारीख के लिखित कार्रवाई यशो खान में दिए, ओकरे बाद कोनो कार्रवाई नहीं भी ठीक। ओकरे बाद कई लोग इन लोग आई आई दबाव उनका बनाए लगे तो मतलब अपन एफआईआर वापस ले लें नहीं तो तोहका जाना थो हम पुलिस वाले हैं मरवा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तमाम बातें हो लगी। ओकरे बाद हम कहे चलो ठीक है हम फिर ना जावे कहूँ दरखास्त दे देश हमका दबाव बनाए लगे तो हम नहीं मतलब एक दिन इलाहाबाद गए, इलाहाबाद से दबाव बनाए हमका वापस लिया लेन 15 तारीख के 15 मई के वथा जून के। ओकर बाद 16 जून के फिर हम गए, फिर गए तो SSP के यहाँ लिखित कार्रवाई हुआ देखा है। ओकरे बाद हुआ से जब कार्रवाई हुई आई गई तो कल रात में एक जीप भर के आए चार पाँच लोग मतलब जेंट्स रहे, दो थी मतलब महिला सिपाही रहे, घर में घुस गए। घर में घुसे के बाद मोबाइल छीने लगे और बहुत बहुत कहे वीडियो मतलब उसको उड़ाओ उनका कहे तो जबरदस्ती छीना तो मोबाइल नहीं दिया। ओकर बाद फिर अपन फिर चला गए। ओकर बाद जन भाई अब उठा हो चाहे आप करत हैं लोग अब हम सही बड़े करत है ते लोग हमका इतना परेशान करत हैं आखिर हमारे उसमें गलती का हमारे मोबाइल का छीना था उल्टा सीधा धमकी रोज धमकी मिला था कहा थे हम पुलिस वाले हैं मैसे कर देंगे मरवा देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे फिर दोबारा तुम थाने में आओगी तुम्हारा मतलब सुनवाई नहीं होगा। हमका अभी मैंने इंस्पेक्टर से जानकारी ली तो उसमें पता चला कि एक प्रकरण था उसका पैरवी करते थे दीवान जी और नंबर उनके पास था तो उनके बताने के हिसाब से तो गलती से चला गया है लेकिन क्योंकि शिकायत हुई तो शिकायत पर DI सर ने जो है सख्त रुख अपनाते हुए इनके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई करके और इनको दंडात्मक रुख अपनाते हुए इनको मुकदमा लिख करके भेजा गया है और न्यायालय में पेश करके इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। निलंबन की भी कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा जब लिख गया तो निलंबन ये सब कार्रवाई तो जो विभागीय होती है वो सब कार्रवाइयाँ उसमें की जाएंगी। महिला के संपर्क में किस तरीके से कैसे नंबर इनको क्या मिला कैसे मिला? वो जो महिला है उसकी लड़की का जो है मुकदमा था 376 वगैरह का जिसमें ये थाने से पैरवी में जाते थे तो चूंकि जब गवाहों को बुलाने और उसके सबके लिए नंबर्स रहते हैं पैरोकार के पास तो इनके पास नंबर फीड था। इनका कहना था कि वो भेजना कहीं था चला गया कहीं इस टाइप की बातें बता रहे थे तो कहें कि वो गलती से चला गया था लेकिन चूँकि उस पर आपत्ति उठी तो आपत्ति चूँकि जब भेजा गया है तो सही पाया गया। इस पर वरिष्ठ अधिकारीगण जो हमारे DI सर ने उन्होंने सख्त रुख अपनाया कि अनुशासित कोर्स में इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी तो लिहाजा के बिल्कुल कानून कार्रवाई बिल्कुल।